धन्यवाद। नारा लगाएगा अभी बीजेपी का हमारा जो पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए हम लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। धन्यवाद। आज के हमारे बीच एस्पायरिंग कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी नारी को यूके तोजिर काजू सर और हमारे एक्स जेपीएम सर और सीनियर पार्टी मेंबर्स, सीनियर लीडर्स यहाँ के और जितना भी मंच पर हमारे सीनियर लीडर्स जो अपना अपना पोस्ट संभाल रहे हैं और आप सभी मेरे आने आबो और दीदी और भैया लोग सभी को नमस्ते। पहले तो मैं यहाँ में तोजिर काजू सर, कल हमारा बात हुआ था, हमारे साथ इंचार्ज आया है कागो तामर जी, तो उनसे बात हुआ था और उन्होंने हमें यहाँ में निमंत्रण दिया कि आज का प्रोग्राम में आप उपस्थित रहिए और आज यहाँ में यहाँ का जो कार्यकर्ता और वर्कर्स लोग हैं उसको उत्साह दीजिए। तो मैं तोजिर काजू सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस लाइक समझा कि आज के इस प्रोग्राम में कुछ पार्टिसिपेट करने और बोलने का मौका दिया। और आज इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो आप नए उम्मीदवार के नाते आपको नियुक्त किया, आपको चॉइस किया बीजेपी हाई कमान की तरफ से, आपको फिर से तहे दिल से बेस्ट विशेष। आपका इस बार का जो इलेक्शन है वो सक्सेसफुल रहे और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ में जितना भी कार्यक्रम होता है, जितना भी पार्टी का यहाँ में हर एक जगह में कमल खिले, आपको ये बेस्ट विशेष देता हूँ। मैं तो यहाँ में आया हूँ ऐसे पार्टी कार्यकर्ता, तो कुछ बात आपको खट्टा भी लग सकता है, कुछ बात आपको मीठा भी लग सकता है, क्योंकि मैं ऐसे पार्टी कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में अपना बात रखूंगा। जिस तरह से कुछ दिन पहले जब हमारे अरुणाचल प्रदेश में सभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, उसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन में यहाँ में कोई ऑपोजिशन भी नहीं है और आज के दिन में यहाँ में ओनली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और हम सभी को जानना पड़ेगा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितना भी कार्यकर्ता है उसको हम लोग एक साथ लेकर चलना है, तभी हम लोग मिलकर नए ऊंचाई और नए सक्सेस हम लोग को मिल सकता है। हमको आज के दिन में लग सकता है हमारा दिल में थोड़ा दर्द भी होगा और दूसरे पार्टी, दूसरे केम, मेरे केम, ऐसे बहुत सारा इशू भी रहेगा, मगर हमको एक तोजिर काजू, एक बीजेपी एस्पायरिंग कैंडिडेट बोलकर हम एक उनका चेहरा लेकर चलेंगे, तब हम जरूर सक्सेस होगा। इसलिए अभी थोड़ा पहले हमारा सीनियर फॉर्मर जेपीएम सर भी बोला था, तो उनका भी मन का बात बोला, वो भी कोई गलती नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमें अपने नेता चॉइस करना है, हमें अपने नेता को कुर्सी पर बैठाना है ये 2024 में। तो कुछ कुछ बात को हम बीता हुआ वाला बात को भी भूल कर हम लोग आगे नए रास्ते में मिलकर एक साथ जरूर चल सकते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता स्टेट के जो कार्यकर्ता है उसके हिसाब से आपका जो भाग रखा उसको भी मैं सम्मान करता हूँ और आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये केम वो केम मत कीजिए। आप लोग एक ही जगह में भारतीय जनता पार्टी को एमपी में और एमएलए में नारी को ही उसे जिताना जरूरी है। एमपी में हमारे बीच तबीरगांव सार रहेगा और तोजिर काजू सार रहेगा एमएलए में, तो हमको
फिर से उसको जिता के लाएगा तो हमको स्टेट में पेमा खांडू सर फिर से देख हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फिर से होंगे और सेंटर में नरेंद्र मोदी सर फिर से होंगे। इसलिए आप सभी से और सभी कार्यकर्ता जो यहाँ में आज उपस्थित नहीं है सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कैंप वो कैंप छोड़ दीजिए और आज हम लोग फिर से नए फिर से एक साथ मिलकर रास्ता और अपना जो पार्टी का जो झंडा है उसको फिर से एक साथ नारी कोयू में लहराएंगे। और मैं तो आप लोगों के बीच में भाई जैसा वो बेटा जैसा वो छोटी मुख बड़ा बात ऐसा लग रहा भी होगा लेकिन आज के दिन में जितना भी यहाँ में कार्यकर्ता लोग है उन लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी यहाँ में पार्टी कार्यक्रम होता है वहाँ में यहाँ के लोग को भी लेकर और अपने जितना भी प्रोग्राम है वहाँ में अपना जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है उन्हें भी लेकर चलिए ताकि हम अपना नारी कोयू में पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको हम लोग आने वाले समय में चॉइस कर सके और हमारे स्टेट में भी हमारे ऑनरेबल पेमा खांडू सर का अंडर में और बियोरम वागे सर का अंडर में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे हम लोग कंटिन्यू कर सके। और आज आप सभी लोग जितना भी पार्टी में जुड़े हैं आप सभी को मैं तहे दिल से वेलकम स्वागत हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आप लोग मन देकर जुड़ा है आने वाले समय भी इस तरह से जुड़ा रहेंगे बोल के आप लोग को मैं आप लोग का बेस्ट विशेष देता हूँ। धन्यवाद।